हेलो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट इंग्लिश डे फर्स्ट, तो आज से मैं आप लोगों को प्रतिदिन, अगर बाय द वे प्रतिदिन नहीं अभी हो पाता है तो अल्टरनेट रूप से मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन एक वीडियो देता रहूँगा। ये पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है? डे वन टू ऐसे कर करके, ठीक है? आपको एक सीरीज मिलता रहेगा कंप्लीट इंग्लिश का, ठीक है? हम लोग लगातार इसको पढ़ते रहेंगे, एकदम एकदम बेसिक से पढ़ते रहेंगे। हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का क्लास जो है, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको फर्स्ट डे से ही देखिएगा, ठीक है? तभी आपको समझ में चीज़ें आएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे बेसिक के वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके जो एकदम बेसिक से चीज़ें उठाई गई हैं ना, उसको आप देखिएगा, वहाँ से सीखिएगा, ठीक है? तब इस वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ पीछे मैं पढ़ा दिया हूँ ना, फिर उस चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, मैं जिक्र भले ही कर दूंगा, लेकिन वहाँ यहाँ पे पूरे डिटेल से मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। पीछे के जो बेसिक चीजें पड़ी हुई हैं, आप उसको पहले देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के स्पेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, और फिर लेटर क्या होते हैं, उसके बाद वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों की जानकारी जो है ना पहले दी जा चुकी है, ठीक है? जो वीडियो पड़ा हुआ है आप देखेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मेरे चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके बाकी सब चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे आप, ठीक है ना? फिर आपको सब चीज़ें क्लियर क्लियर समझ में आती रहेंगी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश का, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ। डे फर्स्ट आज है, आप इसको देखो, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी यहाँ से मिलेगा और बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है? और मैं जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ना, एकदम से, ठीक है, आपका लो से एडवांस तक चलेगा, ठीक है ना, और बिल्कुल अलग होगा। मैं इतना तो आप लोग को जरूर एश्योर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताऊँगा बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग बताऊँगा, ठीक है? बाकी लोगों से कोशिश रहेगी, ठीक है ना, आप इसको देखोगे फिर इसको आप जज करोगे, क्लियर, ठीक है? चलिए, तो आज मैं आप लोग को, ठीक है, बताने जा रहा हूँ, बेसिक ही चीज़ें होंगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बाकी सब चीजें पीछे पड़ी हुई है, तो आप उसे देख लोगे, क्लियर, ठीक है ना? चलिए, आइए। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। द मैन हेल्प हिम, ओके, इसमें आपको बताना है, ठीक है, द मैन हेल्प हिम, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये सब पीछे बताया हुआ है, ले उसी चीज़ को आधार मानते हुए मैं यहाँ पे लेके आगे इसको बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, द मैन, ठीक है, नहीं, सब्जेक्ट हुआ, अब सब्जेक्ट क्या होता है, इसी चीज़ के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पीछे देखोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट, ठीक है, आपका एक व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में बात कहा जाता है, ठीक है, जो एक्शन को कर रहा होता है, काम को कर रहा होता है, यानी काम को करने वाला, तथा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है, कहा जाता है जिसके बारे में, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? अब मैं भी बताया हूँ, ठीक है, पीछे वीडियो में किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है तो आप हु से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? तो यहाँ पे पूछिए हु हेल्प हिम, कौन उसकी मदद करता है, तो आपकी आंसर आएगी कि मैन उसकी मदद करता है, तो मैन क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि पूरे इंग्लिश में, ठीक है ना, पूरे अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम होता है ना सर, दो ही चीज का होता है, पहला नाउन का होता है और दूसरा प्रोनाउन का होता है। इसके अलावा कोई भी वर्ड जो होता है ना, सब्जेक्ट नहीं बन पाता है, सब्जेक्ट का काम करेगा तो या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द मैन है, तो मैन आदि क्या है, मैन आपका नाउन है, ठीक है ना, एक आपका नाउन है जो जाति को दिखा रहा है मैन की, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैन नाउन हुआ जो बना हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट हुआ। अब द मैन क्या करता है, ठीक है, तो मदद करता है, तो ये एक्शन है मदद करना ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, मेन वर्ब हुआ, ठीक है, मेन वर्ब हुआ,
ओके। अब उसके बाद अब देखिए हिम क्या हुआ, तो हिम मदद किसकी करता है, तो मदद उसकी करता है, यानी जो द मैन जो है वो हेल्प करता है, जो एक्शन करता है ना, इस एक्शन का जो प्रभाव है ना हिम पे पड़ता है, ठीक है। तो जो रिसीवर होता है एक्शन का वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं अभी आप लोग को बताया हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी अंग्रेजी में बनने का काम किसका है, सर नाउन या प्रोनाउन का। तो कायदे से हिम क्या है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हिम यहाँ पे क्या है आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के नाम की जगह आ रहा है, ठीक है। तो हिम क्या हुआ आपका प्रोनाउन हुआ, और जो काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, मालूम करने के लिए किसी भी सेंटेंस में हम लोग व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं या हुम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। व्हाट जो होता है, व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हुम से क्वेश्चन मिलने पे पूछने पे ई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये व्यक्ति को दिखा रहा होता है, अभी आपका वस्तु जानवर, ठीक है ना, थिंग्स को दिखा रहा होता है व्हाट। ये सब चीजें बताई गई हैं पीछे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पीछे देखना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको पीछे दी गई है बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है ना, अच्छी तरह से डील की गई है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में लेकर चलूंगा और बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जो एक्शन का रिसीवर होता है, जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है ना, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, जो उस काम को करता है या फिर जिसके बारे में कही जाती है, वो आपका क्या होता है, सर सब्जेक्ट होता है। चलिए, ठीक है, ये चीज हुआ। अब आइए प्रेडिकेट पे। तो आप जानते हो ना प्रेडिकेट, ठीक है, कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो चीजें सेंटेंस में पार्ट बन जाता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप सब्जेक्ट को छोड़ दो, अब सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट मैन है, द मैन है, मैन को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या क्या होता है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो प्रेडिकेट होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ जो भाग होता है ना, वो आपका प्रेडिकेट होता है। देखिए, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, बाकी प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो हम प्रेडिकेट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम देंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आप देखो, ठीक है, ये जो प्रेडिकेट होता है वो भव से, ठीक है, भव से लेकर लास्ट तक होता है, पूरा प्रेडिकेट होगा। और प्रेडिकेट क्या करता है, तो प्रेडिकेट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हेल्प हिम, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है। सब्जेक्ट कौन है, द मैन। तो जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। चलिए, ये चीज हुआ क्लियर, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हियर, ठीक है, हियर वन प्रेडिकेट, हियर वन प्रेडिकेट, हियर वन प्रेडिकेट फॉर वन सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रेडिकेट है, देखो एक सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे एक ही प्रेडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रेडिकेट है, ठीक है ना। यानी जो द मैन है ना, इसके लिए जो प्रेडिकेट है, हेल्प हिम, एक ए प्रेडिकेट हुआ, ठीक है, ये एक प्रेडिकेट है किसका, इस सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि हियर वन प्रेडिकेट फॉर वन सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है एक प्रेडिकेट है एक सब्जेक्ट के लिए, क्लियर। चलिए, ठीक है ना, यानी द मैन के बारे में ये सब बातें बताई गई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, कि जो द मैन है वो क्या करता है, क्या है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो पीछे आप जरूर देखोगे तब यहाँ पे आएंगे, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब यहाँ से चीजें सबको समझ में आएंगी, ठीक है ना, पूरा क्लियरिटी मिलेगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट देखो सर, ठीक है, द मैन एंड मोहन, ठीक है, हेल्प हिम, है ना। देखिए, द मैन एंड मोहन हेल्प हिम। अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक द मैन है, ठीक है ना, अब एक आपका मोहन है, ठीक है, ये दोनों मिल के क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट है तब तो वह सिंपल सेंटेंस है, लेकिन एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है ना, एंड से जोड़कर जब लिखा जाता है ना, तो उसको हम लोग फिर सिंपल सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट।
यहाँ पे ठीक है कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया कौन द मैन एंड मोहन, क्योंकि दो सब्जेक्ट है ना ठीक है, एक मैन है अब एक आपका मोहन है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट है तो सिंपल सेंटेंस हो गया, और जब एक से ज्यादा आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है एंड से जुड़कर ठीक है, तब आपका क्या हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है क्या कहलाता है सर प्रेडिकेट कहलाता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रेडिकेट हुआ हेल्प हिम ठीक है, यानी दो दो आदमी के ठीक है ना बारे में एक चीजें कही गई हैं, यानी आप कह सकते हो कि हियर हियर ठीक है हियर वन प्रेडिकेट, हियर वन प्रेडिकेट फॉर टू सब्जेक्ट ठीक है टू सब्जेक्ट्स, यानी यहाँ दो सब्जेक्ट्स के बारे में ठीक है ना, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स का एक प्रेडिकेट है ठीक है। देखो आप प्रेडिकेट एक है ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं दो सब्जेक्ट है, जिसको मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं कंपाउंड बोल रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है दो आदमी के संदर्भ में एक बातें कही गई हैं ठीक है ना, ये चीज़ है ओके ठीक है। ये वर्ब हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि एक्शन का जो रिसीवर है हिम है ठीक है, एक्शन करने वाले कौन है द मैन एंड मोहन ओके तो परफॉर्मर को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे ठीक है ना, और उस रिसीवर को हम लोग एक्शन के रिसीवर को ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्लियर, ये चीज हुआ ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप समझ रहे होंगे बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, द मैन एंड मोहन वेन टू द पार्क एंड मेट देयर फ्रेंड्स ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि द मैन एंड मोहन दोनों सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है ठीक है, जिसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेंट टू द पार्क went to the park ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैन एंड मोहन के संदर्भ में दो बातें कही गई हैं ठीक है, कि मैन एंड मोहन जो है वो कहाँ गए थे सर पार्क गए थे, एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है एंड मेट देयर फ्रेंड ठीक है ना, और किससे मिले थे अपने दोस्तों से मिले थे ठीक है। तो द मैन एंड मोहन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है ठीक है ना, यहाँ पे एक वेन टू द पार्क है एंड मेट देयर फ्रेंड्स है, दो एक्शन उन्होंने किया है ठीक है ना, दो बातें कही गई हैं। तो आप देखो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ, अब यहाँ से वेन टू द पार्क एक आपका क्या हुआ प्रेडिकेट हुआ ठीक है प्रेडिकेट हुआ, उसके बाद देखिए एंड लगा हुआ है, एंड कंजंक्शन होता है ना ठीक है, इस बातें धीरे धीरे आएंगी ठीक है। तो एंड से एक और जोड़कर एक और प्रेडिकेट लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी वर्ब है ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेडिकेट ए भी क्या हुआ ए भी प्रेडिकेट हुआ ठीक है ए भी प्रेडिकेट हुआ। तो जब एक ही सेंटेंस में दो प्रेडिकेट आ जाए या फिर दो से ज़्यादा प्रेडिकेट आ जाए ना ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं, यानी दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड प्रेडिकेट बनेगा क्लियर। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बारे में दो बातें कही गई हैं ठीक है, एक वेंट टू द पार्क अवेन और दूसरा क्या चाहिए मेट देयर फ्रेंड्स क्लियर ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सर आपको देखना होगा, तो ये चीज हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि हियर टू प्रेडिकेट्स फॉर टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो है ना ठीक है दो सब्जेक्ट के लिए दो प्रेडिकेट्स हैं ठीक है, तभी तो कंपाउंड प्रेडिकेट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बारे संदर्भ में दो बातें कही गई हैं, एक पार्क में जाना और दूसरा दोस्तों से मिलना क्लियर ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा प्रेडिकेट आता है तो कंपाउंड बोलेंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आता है तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे ठीक है, और उसको कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे क्लियर ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, एक सेकेंड ओके डियर। देखिए आप यहाँ पे अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सब्जेक्ट छोटा हो सकता है, क्या सब्जेक्ट बड़ा नहीं हो सकता, क्या प्रेडिकेट बड़ा नहीं हो सकता है ठीक है। तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है ठीक है ना, मतलब इनफिनाइट हो सकता है। आप सब्जेक्ट को कितना भी बड़ा कर सकते हो, किसकी सहायता से ठीक है, तो देखो डिटरमिनर की सहायता से, मॉडिफाइंग वर्ड की सहायता से ठीक है ना, मॉडिफाइंग वर्ड्स की सहायता से, फ्रेजेज की सहायता से और क्लॉजेज की सहायता से ठीक है। तो सब्जेक्ट बड़ा से बड़ा हो सकता है, छोटा से छोटा हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है ठीक है ना। तो आप ये मान के मत चलोगे कि जो सब्जेक्ट है ठीक है एक दो ही वर्ड का होगा ठीक है, अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो तो कहीं ना कहीं ठीक है आपको थोड़ा सा ठीक है और जानने की जरूरत है
ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है कि सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट को बहुत बड़ा से बड़ा रख सकते हो, डिटरमिनर यूज करके, मोडिफायर यूज करके, एडवर्बियल यूज करके, ठीक है ना, फ्रेजेज और क्लॉजेज की सहायता से, ठीक है, आप सेंटेंस को सब्जेक्ट को आप बड़ा से बड़ा रख सकते हो। अब प्रेडिकेट की बात आती है, तो क्या प्रेडिकेट ठीक है छोटा हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है, तो प्रेडिकेट भी कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रेडिकेट में देखिए क्या क्या होता है, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना, सॉरी ठीक है ना, इट कैन इंक्लूड, देखिए आपका प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, सॉरी मैं लिखना चाहता था कुछ और, ठीक है, देखिए इट कैन इंक्लूड, ठीक है, मतलब कि प्रेडिकेट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, दोबारा ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद एडवर्बियल भी हो सकता है, मॉडिफायर वर्ड भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, तो प्रेडिकेट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर से सुन लीजिए, शायद आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे, प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, प्रेडिकेट में कोई एडवर्बियल हो सकता है, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, तो प्रेडिकेट भी बहुत बड़ा हो सकता है और सब्जेक्ट भी बड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा सब्जेक्ट को ले जाओ, ठीक है ना, मॉडिफायर यूज करके, डिटरमिनेंट यूज करके, ठीक है ना, तो ये चीज को आप याद रखेंगे, यही लिखा हुआ है कि इट कैन इंक्लूड डिटरमिनर्स, मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लाउजेज फॉर द मेन क्लाउज, ठीक है, यानी या फ्रेजेज क्लाउजेज, ठीक है ना, मॉडिफायर डिटरमिनर्स ये सब यूज करके आप सेंटेंस को बड़ा से बड़ा बना सकते हो। अभी कह रहा है कि प्रेडिकेट में क्या होता है, तो प्रेडिकेट में आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कोई एडवर्बियल वर्ड भी होता है, मॉडिफायर्स भी होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होता है, ठीक है, तो ये सब आपको प्रेडिकेट में हो सकता है, ठीक है, तो सब चीज़ें हम आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है ना, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, ये सब चीज़ें की आगे चर्चा होती रहेंगी, और जो मैं ये सब बात लिखा हूँ ना, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना, तो आप सब्जेक्ट बड़ा से बड़ा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा आप सब्जेक्ट बना सकते हो यूज करके, डिटरमिनेंट, मॉडिफायर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप, ठीक है, तो शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना, मैं इसका आगे लेके चलता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है ना, आपको जरूर क्लियरिटी आएगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके स्टूडेंट, देखिए जो बातें मैं पिछले स्लाइड में लिखा था ना, ठीक है, उन सभी का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट देखिए छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिटरमिनर का यूज करके, मॉडिफायर का यूज करके उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अभी मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, फिर प्रेडिकेट पे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो आप देखिए गर्ल्स लव, ठीक है, मूवीज, लड़कियां जो हैं, ठीक है ना, वो मूवीज को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ठीक है गर्ल्स, ठीक है, पूरे जाति की बात की गई है, तो यह क्या हुआ सर आपका सब्जेक्ट हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है ना, अभी क्या हुआ आपका प्रेडिकेट हुआ, है ना, प्रेडिकेट हुआ, अब यहाँ पे देखिए द गर्ल्स, तो द क्या हुआ आपका डिटरमिनर हुआ, ठीक है ना, डिटरमिनर हुआ, अब गर्ल्स क्या हुआ आपका नाउन हुआ, ठीक है, और दोनों मिलके क्या हुआ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, अब द गर्ल्स हो सकता है कोई पार्टिकुलर गर्ल्स होंगे, ठीक है, तो द लव मूवीज, ठीक है ना, गर्ल द गर्ल्स लव मूवीज, तो क्या हुआ आपका प्रेडिकेट हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट बढ़ गया, ठीक है, डिटरमिनर का यूज करके सब्जेक्ट को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वर्ड था, यहाँ पे देखिए दो वर्ड मिलके सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, डिटरमिनर हुआ, अब इस क्या हुआ नाउन हुआ, दोनों मिलकर क्या किया काम सब्जेक्ट का, आगे देखिए द गर्ल्स इन डेट कार लव मूवीज, अब कह रहा है कि द गर्ल्स कौन से लड़कियां इन डेट कार, जो उस कार में है, तो इन डेट कार क्या हुआ ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन को क्या करना, मॉडिफाई करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द गर्ल्स, तो व्हिच गर्ल्स कौन सी लड़कियाँ, तो इन डेट कार जो उस कार में है, तो आपको नहीं लग रहा कि इन डेट कार जो है ना ये द गर्ल्स का क्या है डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में बता रहा है कौन सी लड़कियाँ, तो यहाँ से पूरा मिलकर यहाँ तक क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ओके सब्जेक्ट हुआ, अब यहाँ पे देखिए लव मूवीज क्या हुआ प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट हम अभी सेम रख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रेडिकेट हुआ, अभी क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे एक वर्ड का था, यहाँ दो वर्ड का था, यहाँ दो से ज्यादा वर्ड का बना, ठीक है ना, ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि जो इन द डेट कार है ना ये किसके लिए आ रहा है गर्ल्स के लिए, तो जहाँ गर्ल्स जाएगा नाउन वहाँ एडजेक्टिव जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन के लिए आता है, ये पूरा मिल के क्या बना आपका सब्जेक्ट के काम किया, आगे देखो, ठीक है द गर्ल्स डेट यू मेट एट द पार्टी यस्टरडे लव मूवीज, ठीक है ना, अब देखो कौन सी लड़कियां जो है मूवीज पसंद करते हैं, ठीक है ना, तो देखो द गर्ल्स,
वेल लड़कियां, ठीक है, डेट यू मेट, जिससे आप मिले थे, कहाँ मिले थे, एट द पार्टी, कब मिले थे, यस्टरडे, कल मिले थे, ठीक है। तो यहाँ से डेट यू मेट एट द पार्टी यस्टरडे, जिससे तुम कल मिले थे, तो किससे मिले थे, गर्ल्स से मिले थे, ठीक है ना। यानी कि जो ये आपका डेट यू मेट एट द पार्टी यस्टरडे है, ये आपका क्लाउज है, कौन सा क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, ठीक है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लाउज किसके लिए है, इन नाउन गर्ल्स के लिए, यानी जो जो गर्ल्स है इसका डिस्क्रिप्शन है, बता रहा है कौन सी लड़कियाँ मोविच को लव करती हैं, तो डेट यू मेट, जिससे आप मिले थे एट द पार्टी, पार्टी में कल, ठीक है ना, वो लड़कियां क्या करती हैं, मूवीज पसंद करती हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके स्टडे तक ये पूरा क्या बना, ये पूरा काम किया आपका सब्जेक्ट का। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक वर्ड का सब्जेक्ट था, यहाँ दो वर्ड का था, यहाँ आप दो से ज्यादा का हो गया, अब यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। एक लंबा सब्जेक्ट बना ना, यानी कि आपका 10 से लेके स्टडे तक पूरा क्या काम किया, सब्जेक्ट बनने का, ठीक है ना। और लव मूवीज क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। तो आप, मैं वही बात समझाना चाहता हूँ कि आप इस बात को कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मान के नहीं चलेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है आपका छोटा ही होता है, एक दो ही वर्ड का होता है, सब्जेक्ट का कोई आपका लिमिट नहीं है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, इसको आप डिटरमिनर यूज करके, मॉडिफायर यूज करके बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मैं मॉडिफायर यूज किया इन डेट कार, और फिर डेट यू मेट एट द पार्टी स्टडे, सब मॉडिफायर है किसका, गर्ल्स का, ठीक है। तो मॉडिफायर यूज करके, डिटरमिनेंट यूज करके आप सब्जेक्ट को बड़ा से बड़ा बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रेडिकेट को हम सेम रखे हैं सम में, ठीक है ना, छोटा करके रखे हैं, आगे बड़ा भी करेंगे, क्लियर। चलिए यहाँ तक समझिए।